नवीन महवा फल मंडी में गुरुवार की देर रात दुकानों में लगी आग की घटना का उत्तर प्रदेश मंडी परिषद के डायरेक्टर अंजनी कुमार सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके संबंध में मंडी परिषद के डायरेक्टर अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार की देर रात सूचना प्राप्त हुई कि फल मंडी के चबूतरा नंबर 2 के दुकानों में आग लग गई है, जिसको देखते हुए मंडी का निरीक्षण किया गया है तथा आग से जितने का नुकसान हुआ उसका आकलन किया जा रहा है, जिसका जल्द ही क्षतिपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि क्षतिपूर्ति की राशि अधिकतम 2 लाख रुपए है तथा मंडी के व्यापारियों का जितने का नुकसान हुआ होगा उसका क्षतिपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि छठ पर मंडी में काफी भीड़ भाड़ होती है, जिसको देखते हुए मंडी को साफ सुथरा किया जा रहा है, जिससे लोगों को मंडी में आने में किसी तरह की समस्या ना हो। इस अवसर पर मंडी सचिव रजित राम वर्मा, मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के मंडी परिषद के डायरेक्टर अंजनी कुमार सिंह ने कहा, ये प्रोफाइल सीट लगी हुई है ना ऊपर? जी सर, प्रोफाइल सीट। जी जी सर, फल मंडी लगी थी यहाँ पर, हटाया गया है, वहाँ डिस्टर्ब हुई, उसको बदलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा क्षति हुई है, तो सब जल्द खत्म होगा। कैश भी नहीं निकालने का, मुझे लगता है अधिकांश व्यापारी लोग चले गए। हाँ, व्यापारी चले गए थे, लेकिन स्टाफ भर्ती जो लाकर है, आग लगने का कारण क्या था? दोनों चीज़ें हैं, या तो दीपावली में कोई पटाखा फटाया, या कोई कोई दिया हुआ होगा। सब दुकानों में कैरेट वगैरह, एक्चुअली सर कैरेट था सर, प्लास्टिक कैरेट सब था वही सर, इसके पटाखे का साधन लगा हुआ था ना यार, यही तो नहीं मालूम आग सर, या तो शॉर्ट सर्किट होगा या डीप होगा, डीप या शॉर्ट सर्किट वही चीज हो सकता है। पटाखा 11 बजे रात नहीं नहीं पड़ाकर से हुआ, जी जी से हुआ है, यहाँ नहीं भाई, रॉकेट वगैरह कहीं उड़ के कहीं तक नहीं लगा, ये तो किसी बना सर लाभ पहुँचा रहा है। हमारे ये साफ है कि हमारे यहाँ दुर्घटना के लिए ऐसा योजना है, हमारे यहाँ अधिकतम लाभ मिलेंगे जितना हो सकता है। आपकी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बना रहे मजिस्ट्रेट साहब रहेंगे, हमारे सचिव रहेंगे, एक एक आदमी से मिलेंगे, आप लोग बताइएगा जी, कायदे से जांच होकर जो सही हो जिनका सही बनना है, और शीघ्र जितना जल्दी आप फॉर्म भर के देते हैं जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी सर पेटी के अंदर लगा रहता पैकिंग के समय में था। सेब है और ये सभी जो बचे होंगे खराब हो गए, इसे तो जल गया, सब जल गया है, अंदर इसमें सब खराब हो गया है, उसी तरह छड़वा के वो जैसी भी नहीं आई क्या, इसमें लगा खराब हो गया है, मतलब इधर
में लगता है उधर से जी। क्यों पूरा जल गया है, एक भी कुछ नहीं बचा है, जला उधर वो क्लियर हो गया। मंदिर में भी कुछ नगर निगम मदद करे भाई, भाई आग लगी है। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हो सकेगा। छतनी किस पे लिखा जाएगा, वो एप्लीकेशन में लिखा जाएगा फिर अच्छा एक क्वालिटी देंगे फॉर्मेट में लिखा ठीक है। आज ही आप फॉर्म बात चलो पाँच मिनट वाले ले रहे हैं ठीक है। आप चिंता मत, यहाँ पर जी सब चूँकि राजेश कुमार तो सर आप कहाँ से रात रात में खत्म की घर पर आपको सुनते होंगे तो आप घर कोई बात नहीं, आप सचिव साहब आपको चेक कर दे दीजिए आपको कितना नुकसान हुआ कितने घंटे नुकसान हुआ और एक फॉर्मेट दे दीजिए आपको फायर ब्रिगेड ने उठाया फिर देखिए ये सूचना प्राप्त हुई है कि गोरखपुर मंडी समिति के चबूतरा नंबर 2 में अज्ञात कारणों से आग लग गई कल रात में और तत्परतापूर्वक हमारे सचिव साहब और डीजे साहब यहाँ उपस्थित थे, मैं भी आ गया हूँ और निरीक्षण किया है, यहाँ व्यापारियों का नुकसान हुआ है, शीघ्रातिशीघ्र इनको क्षतिपूर्ति की जाएगी और जो हमारे यहाँ अधिकतम 2 लाख तक की राशि है कोशिश ये की जाएगी कि वास्तविक जो क्षति हुई है अगर 2 लाख तक हुई है तो 2 लाख इनको दे दिया जाए। वास्तविक क्षति का आकलन एक समिति करेगी, समिति का फॉर्मेशन कर दिया गया है परिषद आदेश के अनुसार और हमारी कोशिश रहेगी कि शीघ्रातिशीघ्र ये क्षतिपूर्ति दे दी जाए। साथ ही इस समय छठ का अवसर है, आप देख रहे हैं मंडी समिति में एक्टिविटीज़ बहुत है, इस समय फल की खरीद फरोख्त हो रही है, बाहर से लोग आए हैं तो हमारी प्राथमिकता पे ये है कि जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को साफ कर दिया जाए। आधा काम हो चुका है, आधा अगले 1-2 घंटे में हो जाएगा, ये तो जांच के बाद पता लगेगा, व्यापारी बंधु जब हमें लिख के देंगे कि उनका कितना नुकसान हुआ है और जांच के बाद ही, अभी ये कह पाना मुश्किल है कि कितना नुकसान हुआ है। सामने आप देख सकते हैं फल वगैरह का नुकसान तो हुआ जी, किस तरह की सहायता की जाएगी इनको, नगद सहायता दी जाएगी, जितने इनकी क्षति जितने नुकसान हुआ है जितनी धनराशि का माल उतनी धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।